ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में। बेटा आप पढ़ भी चुके हैं पहले प्रपोजिशन क्या है, लेकिन फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझें और इसके जितने भी ग्रामर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको आप अच्छे से हल कर सकें। ठीक, तो चलते हैं प्रपोजिशन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय नाउन स्टैंड एंड समथिंग एल्स। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब ये विशेषता बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो इसमें एक शब्द आया है आपका, क्या आया है? ऑन, ऑन द टेबल। तो ऑन एक प्रपोजिशन है। द पेन इज इन द पेन स्टैंड, तो क्या आया इसमें? इन, यानी जो पेन है स्टैंड के जो है अंदर है। ठीक है, पेन। द स्काई इज अबव अस, तो अस आया है इसमें। ही केम विद अस, तो बिठाया है इसमें। ये सारे क्या है? प्रपोजिशन से संबंधित। अब प्रपोजिशन ऑफ टाइम, देखिए समय के लिए भी इस विशेषण का उपयोग किया था। एट यूज्ड टू एट इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंस, यू वी यूज एट क्लॉक टाइम, पीरियड्स ऑफ द ईयर, पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल, बट डोंट यूज द मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टरनून। ओके, तो मॉर्निंग आफ्टरनून को छोड़ के ट्रेन लेफ्ट एट, एट आया इसमें, एट का प्रयोग, एट विशेषण है, एट 8 o'clock, ये समय की विशेषता बता रही है। शी यूज्ड टू गो द टेंपल एट दशहरा एंड दिवाली, एट का यूज हुआ इसमें भी। नेक्स्ट, ही कम हियर एट द वीकेंड, शी मैरिड एट द एज ऑफ 20, आई कॉल्ड ऑन माय फ्रेंड एट नाइट एंड वी रेस्टेड एट नून एंड। अब सेकंड आता है विशेषण इन, इंपॉर्टेंट है ये भी। इन, इन इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपेंस, यूज इन विच कंट्रीज, ईयर, सीजंस, मंथ, पीरियड एंड द डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, आफ्टरनून। इंग्लिश लिटरेचर फ्लोरिश इन द 16th century, यानी ये मॉर्निंग इवनिंग सब में इसका यूज कर सकते हैं। तो शी वॉज बर्न इन 1990, तो इनका यूज हुआ, इन विशेषण आया है। दे इज विजिटेड दिस प्लेस इन समर, ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग एंड द टेस्ट टूक प्लेस इन द डे टाइम, तो ये इनका प्रयोग करना है। ठीक, इसी प्रकार ऑन का प्रयोग हो, ऑन तो ही वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे को, ऑन मतलब को होता है, तो ये ट्यूजडे को क्या है देखा गया। ठीक, अच्छा देखने जाएंगे। ही वॉज बर्न ऑन अक्टूबर, है ना, ही कॉन्ग्रेट्स हिम ऑन हिज बर्थडे। ठीक, इसी प्रकार को ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मे बी यूज इंस्टेड ऑफ इन विद पीरियड्स ऑफ द डे, मंथ, सीजन, ईयर, टिकेट्स एंड कंट्रीज टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ समथिंग कंट्रीज फॉर द होल स्पेसिफाइड पीरियड। ड्यूरिंग द वॉर मेनी पीपल working, we work during the day and sleep during at night, we try to contact people during October. ठीक, इसी प्रकार by, by का मतलब होता है, is used to indicate the latest time at which action to be finished. He will finish his this work by 5 o'clock, इसका जो है work complete हो जाएगा। By the time the moon was up, you must come to by 8 a.m. by 10 a.m. ठीक, इसी प्रकार for का प्रयोग, for used to be period of time indicate long action last. तो for, they have lived there for 5 years. It rained obtained for 12 hours. We stayed there for 15 days and they have been working for 2 hours. ठीक, इसी प्रकार since का प्रयोग होगा, तो सिंस यूज माई पॉइंट ऑफ टाइम पास फ्रॉम, परफेक्ट टेंस के लिए इसका यूज होगा। तो ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1918 एंड सिंस द लास्ट समर, सिंस एंड ऑफ जून, सिंस ही वाज 30 इयर्स ओल्ड। अब फ्रॉम यानी के द्वारा, तो दे लिव्ड हियर फ्रॉम जो है 1990, ही वर्क्ड फ्रॉम मॉर्निंग इवनिंग, ही देन फ्रॉम द एज ऑफ 20 ही लिव्ड हिज ऑफिस फ्रॉम 9 a.m. फाइव। अब टी का प्रयोग, टी का प्रयोग ही एक्सपेक्टेड टू बी
है तक और आंटी मतलब होता है तक नहीं। ठीक, इसको लिखेंगे ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर टिल अंटिल द एंड ऑफ वर्क। आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अंटिल 99। यू विल हैव यू वॉन्ट अंटिल माई रिटर्न एंड बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले के पहले और बाद में ये भी आएगा प्रपोजिशन। आई गेट अब बिफोर सिक्स, शी रिटर्न बिफोर मंडे, वी कम हर आफ्टर 8 o'clock, वी वॉन्ट टू वेयर आवर फाइल आफ्टर एंड मैरिज। बच्चों ये कहलाएंगे जो है प्रपोजिशन। आपको उसको अच्छे से लर्न करना है, रीडिंग करना है और प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।